फरीदाबाद प्रिथला के गांव फतेहपुर बिलोच में बच्चों के झगड़े को लेकर हुए विवाद में दो पक्षों के बीच हुई कहासुनी में जमकर गोलियां चली और इसी गोलीबारी में एक व्यक्ति की मौत हो गई। पुलिस ने करीब एक दर्जन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इस गोलीबारी में कई लोग घायल भी हो गए। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। इसके बाद मामले को शांत कराया गया और मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए फरीदाबाद के सिविल अस्पताल ले जाया गया। परिजन पुलिस पर भी लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। घायलों की मां ने तो बच्चों को लेकर गली में विवाद हुआ था और इस विवाद के चलते गोलियां भी चली, जिसमें गांव के ही एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि अन्य लोग घायल हुए हैं। घायल अर्जुन का कहना है कि उसका भतीजा कहीं से आ रहा था तो आरोपियों ने उसे पर देसी कट्टा तान दिया था। इसके बाद इसकी शिकायत करने के लिए जब वह उनके घर गए तो उन पर भी आरोपियों ने हमला कर दिया और इसके बाद आरोपियों ने 30 से 35 राउंड गोलियां भी चलाई, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। वहीं जब इस पूरे मामले को लेकर बल्लभगढ़ डीसीपी अनिल कुमार से बात करने की कोशिश की तो डीसीपी बल्लभगढ़ इस मामले को लेकर कैमरे पर कुछ भी कहने से मना कर दिया। मेरा भतीजा जी एक राजा राजा नाम का जी, तो जी वो आ रहा था ड्यूटी करके अपनी, तो ये रास्ता इनके बगल में से ही आता, वो रास्ता इनके यहाँ से पड़ता, हमारे घर से गड़बड़ रहा उनसे, तो जी वो आ रहा था जी, तो उसके कट्टा लगा दी, पिस्टल लगा दी, वो तो हमने देखी नहीं थी जी, लड़के ने बताई जी हमको, तो जी कि पापा मेरे ऊपर कट्टा लगा दिया था, कैसे ऐसे बढ़ाते हैं। फिर मेरा भाई गया था बड़ा इनके घर पे, राकेश, हाँ जी राकेश नाम है मेरा बड़े भाई का जी, वो समझाने बुझाने जैसे भी गया था जी, तो जी ने उस पर भी वारदात कर दी थी घर में जाते ही, वे घेर लिया था घर में। फिर मेरा एक भतीजा और है जी राहुल, राहुल नाम का, वो भी गया था जी, जैसे पता चली कि मेरे पापा मार रहे हैं वहाँ जी के, तो उसको ऊपर भी इन्होंने वही बात कर दी थी जी, वारदात कर दी थी, रोड वगैरह थे उसके 32-30 टाँके आए जी। फिर मैं भी गया था जी, जैसे मुझे पता चली कि भाई तुम्हारी लड़ाई बाज रही है वहाँ पे, तो मैं भी गया था जी, तो उसकी लड़की ने और बहू ने मेरे ऊपर भी वारदात कर दी थी जी, पीछे से मेरे रोड मारी जी उसकी लड़की ने, तो जी रोड मारते मैं भी गिर गया था नीचे। फिर मुझे थोड़ा से जैसे मेरे भतीजे ने मुझे बाहर पुल का खींच के, तो मुझे जब पता चली हाँ, फिर मेरे को सांस सा आया, फिर इन्हें गोली भी चलाई जी, 30-35 गोली चलाई, बहुत मतलब पूरे 1.5 घंटा गोली चली। कितने लोग घायल हुए आप? हम 8-7 लोग घायल हुए। क्या किसी की कोई बड़ा हादसा हुआ इसमें? हाँ जी, हाँ जी बड़ा हादसा, एक मर गया जी, देविंदर, हाँ जी, वे जी मोहल्ले बस्ती का ही है जी, वैसे तो चाचा का लड़का है। हाँ। आपका परिवार ही है? परिवार में थी जी, यहीं लगा लो 30-35 लोग थे जी जो गोली चला रहे, जनानी भी गोली चला रही थी जी, और हमारा कोई संग भी नहीं दे रहा था, ना प्रशासन ने कुछ, प्रशासन तो उनके पास पर ही है, हमारे तो संग भी नहीं गए थे पट्टी करवाने, हमारे लगे बच्चों में हो गई कही यही, बच्चों के ऊपर ही अभी ऐसा है, बच्चों के ऊपर हो गई, बच्चे अपने पापा से कह रखे तो पापा उसे समझाने गए होंगे, उसके पापा में भी रोड फोड़ मार दी, अब इसी के लिए इस पर लड़ाई होगी, इससे उन्होंने मारे जोगी के, उन्होंने हमला किया हम पे, कहना कि बच्चों की झगड़ी के चलते इतना बड़ा झगड़ा बन गया। हाँ, बच्चों के ऊपर ही झगड़ा कर दिया उन्होंने। तो आप लोग समझाने गए तो क्या रहा जी? हम भी नहीं, हम भी जॉब करने जाते हैं, उसके बाद देखो यहाँ कोई नहीं रहता, हम लेडीज जॉब करने जाते हैं जी। कल को तो वो हमारे बच्चों के लिए भी हावी होंगे, वो तो बच्चों का झगड़ा हुआ, उसके बाद समझा का उसके बाद क्या हुआ? गोली चला दी उन्होंने, गोली चला दी। हाँ, देविंदर की जिन भाई की मौत हुई है उसके अलावा कितने लोगों को और चोट आई है? 7-8 हैं। 7-8 है। किस चीज से वार किया था उनके ऊपर? उनके ऊपर रोड मारी है और एक उसके भी गोली लगी, दूसरे के जो और इसके तीनों गोली लगी है। अच्छा, गोली तीनों को लगी है? हाँ। अच्छा, बाकी दो कहाँ जिनको गोली लगी है वो हॉस्पिटल में एडमिट है? नहीं, वो तो घर आ गए, उसके तो यहाँ लगी, जाबड़ा खराब हो गया उसका तो। अच्छा, और जो हमारी देवर है इसके वे जान से खत्म कर दिया। हाँ जी, पहले 10 साल पहले भी करा था उन्होंने, पहले भी फेड़ करी थी, पहले भी बंदूक चलाई थी। हाँ जी, पहले भी हमारे साथ ही हुआ था। अच्छा।